यहाँ पर जो न्यू ड्राफ्ट लॉ है वो अप्रूव हो गया है। जर्मनी में ऐसा है कि अगर आपके बच्चा जो है उनके पेरेंट में से किसी के पास सिटीजनशिप है तभी उसको सिटीजनशिप मिलेगी, पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो 8 साल से 6 साल हो गई है। जर्मनी जो है वो कभी भी फेवर में नहीं था ड्यूअल सिटीजनशिप को लेकर, बिकॉज जर्मनी बहुत ज्यादा टेक केयर करता है रिफ्यूजीज की और असाइलम सीकर्स की, तो उसका अभी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और आज मैं आप लोगों से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। आपने ऑलरेडी जो है वो देख लिया होगा थंबनेल में, इट्स अबाउट न्यू सिटीजनशिप लॉ। बहुत दिन से बहुत ज़्यादा बूस्ट चल रहा था कि यार क्या होगा, कितने साल में सिटीजनशिप मिलेगी एंड ऑल, दो आज मैं फाइनली अप्रूव्ड लॉ है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चेंजेस हैं, पहले जर्मनी में सिटीजनशिप कितने टाइम में मिलती थी, अब सिटीजनशिप कितने टाइम में मिलेगी, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जर्मनी को तो वैसे हम बहुत सारी अच्छी चीज़ों में और बुरी चीज़ों में जानते हैं, आपने वीडियोस में देखा ही होगा, हिटलर से भी जानते हैं, बट दैट्स अ जोक। इसके अलावा जर्मनी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी में से एक कही जाती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर बेस्ट कार्स, सम ऑफ द बेस्ट कार्स जो हैं वो जर्मनी की हैं। फ्री एजुकेशन जर्मनी के बारे में सभी लोग जानते हैं, इवन इंडियंस के लिए भी यहाँ पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा आजकल जो है बिकॉज यहाँ पर ह्यूज लेबर शॉर्टेज है, तो बहुत सारे इंडियंस जो हैं या बहुत सारे दूसरे कंट्रीज के लोग जो हैं वो यहाँ पर मूव कर रहे हैं, बट इट्स नॉट इनफ। इसके अलावा भी जर्मनी में जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ का कल्चर जो है वो बहुत ही रिच है, यहाँ की इंजीनियरिंग जो है वो बहुत अच्छी है, और इसके अलावा बिकॉज हार्ट ऑफ यूरोप में है तो ट्रैवल के लिए आपको अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, और वर्क के लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज मानी जाती है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जर्मन पासपोर्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। पर अगर हम अपना इंडियन पासपोर्ट देते हैं और जर्मन पासपोर्ट लेते हैं या जर्मन सिटीजनशिप लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को वही बताती हूँ कि यहाँ पर जो न्यू ड्राफ्ट लॉ है, जो अभी तक बहुत सारे रील्स में मैंने बताया था, शॉर्ट वीडियोज़ में बताया था, आज मैं आपको बताऊँगी जो फाइनली जो है वो अप्रूव हो गया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें मैं बताऊंगी कि आपको कितने टाइम पे सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी, अगर आप इंडिया से यहाँ मूव कर रहे हो या ऑलरेडी आप मूव कर चुके हो, यहाँ रह रहे हो, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जो है वो आंसर मिलेंगे। प्लस कुछ चीज़ें और भी मैं बताऊंगी जो ऑफकोर्स हमारे लिए जो है वो वैलिड नहीं है, पर ऑफकोर्स दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के लिए वैलिड है। सो अनलाइक अदर कंट्रीज़ लाइक कैनेडा या और भी बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप देती है, लाइक अगर आपने उस पर्टिकुलर कंट्री में बर्थ लिया है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, पर जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में ऐसा है कि अगर आपके बच्चा जो है उनके पेरेंट में से किसी के पास सिटीजनशिप है तभी उसको सिटीजनशिप मिलेगी, बट अब नए रूल में क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो जैसा कि सुरभि ने बताया अभी सिटीजनशिप लॉ के अंदर क्या चेंजेस आए स्पेसिफिकली बच्चों को लेकर, मान के चलिए अगर आपके बच्चा यहाँ जर्मनी में पैदा हुआ है तो अभी तक उसको सिटीजनशिप नहीं मिलती थी, वो उसी केस में मिलती थी अगर उसके पेरेंट्स में से दोनों में से एक को या फिर दोनों ही जर्मन सिटीजन हो तो बच्चे को सिटीजनशिप मिलती थी डायरेक्टली। पर अब जो नया रूल आया उसके हिसाब से अगर बच्चा जर्मनी में पैदा हुआ है उसके पेरेंट्स के पास सिटीजनशिप नहीं है तो भी उसको सिटीजनशिप मिल सकती है, बशर्ते शर्त यह है कि दोनों पेरेंट्स में से एक को ऑलरेडी यहाँ पर 8 साल हो चुके होने चाहिए रहते हुए। अगर दोनों में से किसी एक को 8 साल हो चुके हैं और फिर बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है न्यूट्रलाइजेशन का, तो जो पहले अगर किसी को जर्मन सिटीजनशिप चाहिए होती थी तो उसको मिनिमम 8 साल यहाँ पर रहते हुए हो जाने चाहिए था, उसके बाद आप एलिजिबल होते थे अप्लाई करने के लिए। अब वो रूल चेंज होकर हो गया है 8 साल से 6 साल, अब आप 6 साल के बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो यहाँ रहने के। सर तो कुछ नियम अभी भी वैसे ही हैं, जैसे कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ेगी, आपको आपको यहाँ पर रहते हुए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल उनको शो करनी पड़ेगी, आप यहाँ के कल्चर को समझते हो वो चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी, जैसे कि लेबेंस इन डॉयचलैंड वगैरह टेस्ट हैं वो पास करने पड़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें कुछ हद तक वैसी ही हैं,
पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो 8 साल से 6 साल हो गई है। और ऐसे भी कई लोगों को हम जानते हैं जिनके पास C1 C2 लेवल का सर्टिफिकेट था, उनको पहले 6 साल में सिटीजनशिप मिली है, तो उसका अभी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। पर जिसके पास अच्छे लेवल की प्रोफिशिएंसी है C1 लेट्स से C2 लेवल की, उसको कुछ ना कुछ एडवांटेज डेफिनेटली रहेगा, उसको 6 साल की वजह शायद 4 या 5 साल में सिटीजनशिप मिल पाएगी, पर उसके अभी क्लियर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, जैसे ही आएगी हम वो भी शेयर करेंगे। अब मैं ऐसी बात करती हूँ जो ऑफकोर्स इंडियंस के लिए जो है वो वैलिड नहीं है, ये बात है ड्यूअल सिटीजनशिप के लिए, और बहुत सारी कंट्रीज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी अबाउट ड्यूअल सिटीजनशिप को लेकर। जर्मनी जो है वो कभी भी फेवर में नहीं था ड्यूअल सिटीजनशिप को लेकर, बट नाउ दे फाइनली अप्रूव ड्यूअल सिटीजनशिप। तो अब अगर किसी को ड्यूअल सिटीजनशिप लेनी है, लाइक जर्मन पासपोर्ट भी रखना है और अपनी कंट्री का भी पासपोर्ट रखना है, तो दे कैन डू इट। सो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड न्यूज़। ऑल्सो बिकॉज जर्मनी बहुत ज़्यादा टेक केयर करता है रिफ्यूजीज की और असाइलम सीकर्स की, तो उनके लिए भी इनने न्यू प्रोविजन जो है वो निकाला है, उसमें इन लोगों को जो है वो 3 ईयर्स में जो है वो सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये है कुछ न्यू लॉ के अपडेट जो अभी फाइनली जो है वो अप्रूव हो गए हैं। अभी और भी पता चलेगा कि इसमें कौन सी चीज़ें जो है वो ऐड होगी, बट दैट्स नॉट द थिंग जो पहले बोल रहे थे कि 3 ईयर्स में आपको सिटीजनशिप मिल गई। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं, बट आई वुड से दैट कि अब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चेंज नहीं होने वाली, इट विल रिमेन द सेम। एंड द अदर थिंग इज़ बिकॉज अब जर्मनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली जो है वो लॉज लेके आ रहे हैं, उसमें से अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लाइक 6 ईयर्स इज़ अ गुड टाइम टू गेट अ जर्मन सिटीजनशिप और जर्मन पासपोर्ट, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट होता है, तो 6 ईयर इज़ अ गुड टाइम। प्लस आपके बच्चे को भी जो है वो एक बेनिफिट है अगर वो बर्थ यहाँ पर लेते हैं, तो दैट्स अ गुड न्यूज़। बाकी आप बताना, ये जो न्यू लॉज हैं, इमिग्रेंट फ्रेंडली लॉज हैं वो जो जर्मनी के बारे में आ रहे हैं, वो आपके लिए कितने बेनिफिटेड हैं अगर आप यहाँ पर मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जैसा भी है आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करना। बाकी हम आपको न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्लस व्लॉगिंग चैनल पर हम बहुत सारे वीडियोज़ बनाते हैं यहाँ के लाइफ स्टाइल रिलेटेड, तो आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखना और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय बाय।